हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कॉमर्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, बिजनेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस आउटसोर्सिंग का आपको मैं छोटे में बता देती हूँ कि जब हम अपने बिजनेस का कुछ काम बाहर से करवाते हैं, और ये आजकल बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। आजकल ज़्यादातर कंपनी फर्म ये काम कर रही हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा किस पे जोर दिया जा रहा है, स्पेशलाइजेशन पे, कि आप कोई भी काम परफेक्टली करें, अच्छे से करें। और जो लोग इस काम में अच्छे हैं उनसे आप ये काम करवाएं, जिनके पास उस वर्क में स्पेशलाइजेशन है। मान लीजिए कि मैं टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हूँ, और जो कंपनी काम कर रही है वो कुछ सामान वगैरह बनाती है और कस्टमर तक पहुँचाती है, और मैंने बोल दिया क्या लोगों को पता है कि आई एम वेरी मच एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव इन टेक्नोलॉजी वर्क, मैं एक कंपनी हूँ। तो उन लोगों ने क्या किया, टेक्नोलॉजी का जो भी सारा काम है वो मुझे दे दिया कि आप ये काम करिए। मैं उनके बिजनेस का पार्ट नहीं हूँ, पर उन्होंने मुझे ये काम दे दिया कि जो भी गुड्स है अब वो कस्टमर तक पहुँचाने हैं, तो आप एक ऐसी टेक्निक बनाइए, ऐसा वेबसाइट बनाइए जिससे ये प्रोडक्ट आसानी से कस्टमर तक पहुँच जाए। और फिर ये कॉन्सेप्ट आया है हमारा बिज़नेस आउटसोर्सिंग, क्योंकि आजकल लोग स्पेशलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेन काम को नहीं बोलेंगे कि किसी और से करने को, नॉन कोर एक्टिविटी को बोलेंगे, जो हमारा मेन काम नहीं है उसको बोलेंगे। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कुछ अपना मेन प्रोडक्ट नहीं, कुछ प्रोडक्ट जो मान लीजिए मेन प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, कोई सोप में वो काम कर रहे हैं, उनका कोई फेमस सोप है तो उसको नहीं आउटसोर्स करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई उनको आयुर्वेदिक सोप बनाना है, तो किसी प्लेस पे बहुत अच्छी आयुर्वेदिक सोप बनते हैं, तो उन जगह से उन्होंने स्पेशलाइज पर्सन से अपना ये सोप बनवा लिया और उन्होंने ये गुड्स को आउटसोर्स कर दिया। मान लीजिए आजकल बहुत ही ज़्यादा रिक्रूटमेंट का चल रहा है, कि कोई भी एजेंसी बैठी है जो रिक्रूटमेंट करवाती है, आपको एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करती है, और उस एजेंसी के पास बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल जाते हैं कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो वो एजेंसी क्या करती है, इनसे टाई अप रहती है कंपनी से, और सारा उनका रिक्रूटमेंट का काम यही ध्यान देती है, जिसकी वजह से ये जो भी बिजनेस है वो अपने मेन काम पर फोकस कर पाता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।